तो आज अपन देखेंगे 1755 का इसी में महिंद्रा का। तो ये केस है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और अपने को स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। डीजल गाड़ी है उसका चेक करने का प्रोसेस अलग हो जाता है, और पेट्रोल गाड़ी है उसका चेक करने का प्रोसेस अलग हो जाता है। डीजल गाड़ी में क्या हो रहा है, उसका कॉम्प्रेशन, इंजन का कॉम्प्रेशन बंद रहा है। उसके बाद है ना, इंजेक्टर का स्प्रे हो रहा है, मतलब डीजल स्प्रे हो रहा है इंजन के अंदर, कम्बक्शन मतलब अंदर ब्लास्ट हो रहा है। उसके बाद इंजन स्टार्ट हो रहा है, तो इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है, उसके लिए आपको चेक करना है स्टेप बाय स्टेप कि उसके अंदर स्कैनर के ऊपर ऊपर क्या फॉल्ट कोड आ रहा है। कुछ केस में फॉल्ट आएगा, कुछ केस में फॉल्ट नहीं आएगा, तो अपन आज दोनों भी क्लियर करेंगे। और मल्टीमीटर की हेल्प से आप इजीली 1-5 मिनट के अंदर भी फॉल्ट को डायग्नोस कर सकते हैं कि फॉल्ट कहाँ पे है। तो फर्स्ट स्टेप में अपन देखेंगे इसके अंदर रेल प्रेशर सेंसर का फॉल्ट आ गया, नहीं है तो भी मैं आपको बताऊंगा, स्कैनर पे फॉल्ट कोड नहीं है तो भी आपको टेस्ट करने का तरीका बताऊंगा। और उसके ऊपर स्कैनर के ऊपर फॉल्ट भी दे दिया तो उसको अपने को कैसा डायग्नोस करना है, वायरिंग को कैसा ट्रेसिंग करना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो स्कैनर के ऊपर समझो रेल प्रेशर सेंसर का फॉल्ट कोड आ गया और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो रेल प्रेशर सेंसर के सर्किट को हमको समझना पड़ेगा। और उसमें आपको पहला वोल्टेज चेक करके फॉल्ट को कंफर्म करना पड़ेगा कि रेल प्रेशर सेंसर फॉल्टी है या नहीं है, या फिर प्रॉब्लम अलग है। क्योंकि उस केस में कैसा होता है कि आपका इंजेक्टर का रिटर्न भी ज़्यादा हो सकता है, हाई प्रेशर पम्प खराब हो सकता है, लो प्रेशर पम्प खराब हो सकता है, डीआरवी में प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर आपका रेल प्रेशर सेंसर में फॉल्ट आ सकता है, या फिर रेल प्रेशर सेंसर के वायरिंग में प्रॉब्लम आ सकता है। तो उस स्टेप में आपको वायरिंग के थ्रू ही हेल्प से आप इजीली चेक कर सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो रेल प्रेशर सेंसर का सर्किट है उसके ऊपर पहले बात करेंगे, और ये 1755 महिंद्रा का ECM है। तो इसमें इसके अंदर 3 वायर है और पिन बताया 32 पिन के ऊपर 5 वोल्ट सप्लाई, मतलब ये रेफरेंस वोल्टेज 5 वोल्ट आ रहा है इसके ऊपर। और वो आ रहा है कहाँ से, 30682 पावर IC के थ्रू 5 वोल्ट आ रहा है 32 पिन के ऊपर। सेकंड जो है ये 54 पिन है, उसमें सिग्नल है 5 वोल्ट, और ये बीच में नेटवर्क रेजिस्टेंस है, और नेटवर्क रेजिस्टेंस के थ्रू ये MCU के 56 और 57 पिन के ऊपर जा रहा है। और थर्ड है 76, ये इसका ग्राउंड है। तो आपको मल्टीमीटर से कैसा चेक करेंगे, और वो चेक करने में ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट, और उसके बाद कंफर्म फॉल्ट कहाँ पे है वो आपको इजीली चेक कर सकते हैं। वो भी आपको मैं एक 2-3 ट्रिक बताऊंगा कि इसमें ओपन सर्किट मतलब अपन ने रेल प्रेशर सेंसर का सॉकेट खोला है, 3 वायर का है, इसके अंदर 3 पिन है, और 3 पिन के अंदर सप्लाई भी ओपन सर्किट में तीनों पे बराबर आ रहा है, मतलब 5 वोल्ट भी आ रहा है, रेफरेंस आ रहा है, सिग्नल आ रहा है 5 वोल्ट, और ग्राउंड भी आ रहा है। उसके बाद में भी है ना गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो कैसा चेक करें, तो उसको क्या करना है, ये अपन ने ओपन सर्किट में लेगा तो अभी आपको क्या करना है, उस सर्किट तो जो सॉकेट है उसको आपको क्लोज सर्किट करना है, मतलब सेंसर को रिटर्न लगाना है वापस। वापस लगाने के बाद में आपको क्या करना है कि एक ब्लैक प्रोब आपको ग्राउंड में रखना है और रेड प्रोब आपकी सिग्नल में रखना है, और पीछे से इग्निशन स्विच ऑन करने के लिए आपको वोल्टेज चेक करना है कि उसमें जो वोल्टेज है ये वोल्टेज चेंज हुआ है क्या। इसमें 2.5 भी वोल्टेज आ सकता है, 0.30 भी आ सकते हैं, मतलब सिग्नल का वोल्टेज में उसको आपको चेंजेस आना चाहिए, मतलब जहाँ पे 5 वोल्ट बन रहे वहाँ पे 2.5 वोल्टेज बनना चाहिए, मतलब ये सेंसर काम कर रहा है रेल प्रेशर सेंसर। क्योंकि सेंसर एक्टिवेट होने के लिए उसको 5 वोल्ट रेफरेंस की सप्लाई की जरूरत है और ग्राउंड की, ये दोनों सप्लाई उसको मिल जाएंगे, 5 वोल्ट रेफरेंस सप्लाई और ये ग्राउंड, तो सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे भी एक्टिवेट हो जाएगा तो एक सिग्नल ये ECM को दे देगा, इसलिए ECM एक अपना 22 वोल्टेज भेजता है
वो अलग है, लेकिन वो सिग्नल के थ्रू ही भेजेगा, तो आपको सिग्नल के वोल्टेज में जो वेरिएशन है, चेंजेस, वो आना चाहिए। और जो सर्किट में आपने देखा कि ब्लैक प्रोब मल्टीमीटर का ग्राउंड पे रखा है और रेड प्रोब मैंने सिग्नल पे रखा है, उसके बावजूद में भी वोल्टेज 5 वोल्ट ही आ रहा है, इट मीन्स ये सेंसर खराब है। मतलब ये अपन ने ओनली 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर ही फॉल्ट कंफर्म कर दिया कि प्रॉब्लम रेल प्रेशर सेंसर में है, वायरिंग में है या फिर ECM में। वायरिंग में आपकी सीधी प्रोसेस है, आपको वोल्टेज आ रहा है मतलब वायरिंग सही है, वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आप एक बार कंटिन्यूटी चेक करके आप देख सकते हैं। और तीसरा है कि रेफरेंस वोल्टेज कभी भी पावर IC से आ रहा है और इसका जो सिग्नल है ये MCU से आ रहा है। क्लियर?